हेलो दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाइंडी ट्यूब प्रयागराज में। आज का टॉपिक है हम लोग का, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके काम पे डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है, करता क्या है। इट अलाउज मल्ली वन यूजर टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर एट अ टाइम। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में किसी यूजर को किसी एक ही काम को करने की परमिशन देता है। इट अलाउज ओनली वन यूजर टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। ये सिर्फ एक यूजर को ही परमिशन देता है कि वो किसी कंप्यूटर पे वर्क कर सकता है एक टाइम पे। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका विंडोज एक्सपी, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करता है, एक टाइम पे किसी एक ही यूजर को परमिशन देता है कि वो उस कंप्यूटर पे कोई काम कर सके। नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर का मतलब यहाँ पे कई यूजर होंगे। इट अलाउज अ नंबर ऑफ यूजर्स टू वर्क टुगेदर ऑन अ सिंगल कंप्यूटर बाय प्रोवाइडिंग अ टर्मिनल कनेक्टेड टू अ सिंगल कंप्यूटर। यहाँ पे क्या होता है, एक ही कंप्यूटर पे एक से ज्यादा यूजर वर्क कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, ये उस अलग अलग यूजर को उनको क्या क्या होता है, उसको टर्मिनल प्रोवाइड किया जाता है कि यहाँ पे ये एरिया आपका है। इट मीन्स वहां पे कई सारी चीजें अलग अलग होती है, सेपरेट होती है, जिसके थ्रू एक ही कंप्यूटर पे कई यूजर काम कर सकता है। जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए, आपका ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप के वर्क को परफॉर्म करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे बात आती है, जो टास्क आपका कंप्लीट होगा, प्रोसेस होगा, वो कोई सिंगल टास्क ही होगा। इट एग्जीक्यूट्स अ सिंगल जॉब और प्रोग्राम एट अ टाइम। जैसे आपका एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिंगल जॉब या एक सिंगल प्रोग्राम को एक टाइम में एग्जीक्यूट करता है, एक टाइम पे ही उस वर्क को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी टास्किंग का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में कई टास्क को परफॉर्म कर रहा हो। इट सपोर्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। ये क्या करता है, एक टाइम में एक से ज्यादा किसी वर्क को परफॉर्म करने की परमिशन देता है, एक से ज्यादा वर्क पे कोई प्रोसेसिंग करता है। अब कहा तो जाता है, लेकिन क्या ऐसा होता भी है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है, एक टाइम पे कोई एक ही वर्क परफॉर्म हो रहा होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि वहां पे हर एक टास्क को एक टाइम दे दिया जाता है कि इतने टाइम तक ये वर्क करेगा, इतने टाइम तक ये वर्क करेगा। ये टाइम ऑफ, ये जो दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस होता है वो इतना फास्ट होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि वो अलग अलग टाइम पे वर्क कर रहा है। हमें क्या लगता है कि एक ही टाइम पे दोनों वर्क कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वहां पे आप कई सारे सॉफ्टवेयर को ओपन करके एक टाइम में काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इन दिस सेवरल प्रोग्राम्स कैन बी रन एट द सेम टाइम थ्रू अ टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है, बात आती है मल्टी प्रोग्रामिंग की, मतलब एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग हम कर पाते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे करते हैं। उसमें उसमें क्या होता है कि उसका जो मेथड होता है, उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है, वो मेथड होता है शेयरिंग मैकेनिज्म। वहां पे क्या होता है, वही बात आती है कि उसको अलग अलग टाइम दे दिया जाता है। वो टाइम दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इतना कम होता है कि हमें क्या लगता है वो एक ही टाइम पे काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है उसका प्रोसेस होता है टाइम से, इतने टाइम तक ये वर्क करेगा, इतने टाइम तक ये वर्क करेगा। अगर बात करें यहाँ पे इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप एग्जाम्पल में लाइनक्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम। यहाँ पे क्या होता है, रियल टाइम में
ये उस इवेंट को परफॉर्म करता है, किसी भी काम को आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे परफॉर्म करवाना चाहते तो वो परफॉर्म करेगा, लेकिन बात किसकी है, प्री डिटरमाइंड टाइम, पहले से निर्धारित जो समय मिला है उसको उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो उस वर्क को परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे आप विंडोज को ले सकते हैं, विंडोज 6, 7, 8, 9, 10 आपके कई सारे वर्जन आ रहे हैं। नेक्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच का मतलब क्या समझते हैं आप, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी संस्था में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो क्लासेस चल रही होती है वो बैच वाइज होती है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये बैच चलेगी, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये बैच चलेगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। अब जो बैच बनता है वहां पे भी क्या होता है, जो सिमिलर टाइप के कोर्सेस होते हैं उनका एक अलग बैच होता है, जो अदर टाइप के कोर्सेस होते हैं वो उनका अलग बैच बनता है। तो कहने का मतलब क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ टास्क आर ग्रुप्ड अंडर वन बैच। अगर 4-5 यूजर है और वो अपना काम करवाना चाहते हैं, तो अब 2 यूजर का सेम वर्क है, 3 यूजर का सेम वर्क है, तो वहां पे क्या होगा, जो 2 यूजर का सेम वर्क है उसको एक ग्रुप में रख दिया जाएगा, और जो 3 यूजर अलग हैं उनका सेम टाइप का वर्क है तो उनको एक अलग ग्रुप दे दिया जाएगा। एंड देन दीज टास्क आर एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी यूजर इंटरप्शन। उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे ही वो सेम टाइप ऑफ वर्क को एक ग्रुप में कर लिया, फिर विदाउट यूजर इंटरप्शन वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, उस प्रोग्राम को रन करवाता है, या आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसको परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपका एमएस डॉस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट यूजेस मोर देन 2 CPU विद इन अ सिंगल कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, काम आपका काफी फास्ट होगा, लेकिन इस टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहां पे क्या होता है, जो वर्क होता है वहां पे 2 से ज्यादा CPU यूज हो रहे होते हैं एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर। एग्जाम्पल में आपका लाइनक्स हो गया और यूनिक्स हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डेस्कटॉप, यूज करते हैं लैपटॉप, यूज करते हैं, या फिर यही कंप्यूटर के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग नामों से हम उनको यूज करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी डिवाइस हो, हर किसी को ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो कोई काम नहीं कर सकता, वो खाली एक बॉक्स है, आप भी उससे कोई काम नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे बात आती है डेस्कटॉप और लैपटॉप की जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। उसकी बात करते हैं, ऑल कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस रिक्वायर ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर या कंप्यूटर के जैसे कोई भी डिवाइस हो, हर किसी को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग योर लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप एंड स्मार्टफोन। आपका चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो या स्मार्टफोन हो, ये सब क्या है, कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, और हर किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सम एग्जांपल्स इंक्लूड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लेटेस्ट विंडोज एंड एप्पल मैक ओएस। अब कुछ एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे आप विंडोज हो गए, नए वर्जन लेटेस्ट अपडेट होके आते हैं, आप एप्पल मैक ओएस को ले लीजिए, तो ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर दैट इज फिक्स्ड लोकेशन। आपका जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो कि एक फिक्स लोकेशन पे क्या होता है, स्टेबल होता है। ऑन द अदर हैंड अ लैपटॉप इज अ कंपैक्ट वर्जन ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। या फिर आपका एक जो लैपटॉप होता है, आपके इस ये जो डेस्कटॉप होता है उसी का एक कंपैक्ट वर्जन होता है। कंपैक्ट वर्जन का मतलब आप एक चीज देखते हैं कि आपका जो डेस्कटॉप होता है उसमें क्या होता है, CPU अलग होता है, माउस अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, उसके बाद आपका जो पावर सप्लाई करता है UPS अलग होता है, या फिर डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से करंट को एक्सेस कर लेते हैं, तो वहां पे सारी चीजें अलग अलग होती हैं और उसका साइज वगैरह भी ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू लैपटॉप। लेकिन लैपटॉप में क्या होता है, वो सारी चीजें इनबिल्ट होती है आपके सिस्टम में। जैसे आप पावर सप्लाई की बात करें तो बैटरी भी इनबिल्ट होती है, आपका CPU भी उसके अंदर लगा होता है, प्रोसेसर वगैरह, कीबोर्ड, माउस, सारा कुछ एक सिस्टम में क्या होता है, पैक होता है। जनरली द डेस्कटॉप इज लार्जर देन लैपटॉप। तो सामान्यतः ये बात आपको भी पता है कि आपका जो लैपटॉप होता है वो एज कंपेरिजन टू डेस्कटॉप से छोटा होता है। इट मीन्स लैपटॉप से बड़ा क्या होता है, हम लोग का डेस्कटॉप होता है। अब बात करें यहाँ पे, तो मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आती है आपके डेस्कटॉप में,
तो उसको रिपेयर करना एज कंपेयर टू लैपटॉप थोड़ा आसान होता है, लेकिन कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। तो दोनों में कुछ चीजों का डिफरेंस है जिसकी वजह से हम लोग उनको यूज करते हैं, या फिर हम लैपटॉप लेना ही क्यों पसंद करते हैं, क्यों डेस्कटॉप नहीं लेते हैं? इसलिए नहीं लेते क्योंकि लैपटॉप आपका एक जगह दूसरी जगह कैरी करने में आसान होता है, पावर सप्लाई की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, वहां पे क्या होता है बैटरी होता है, 2-4 घंटे आपको बैकअप मिल जाता है। आइए बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट। अब मोबाइल फोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, आपके टैबलेट में भी यूज होता है। यहाँ पे हम एंड्रॉइड और स्मार्टफोन, हम लोग जैसे एप्पल आईफोन की बात करते हैं कि आपके आईफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एंड्रॉइड में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बात करें यहाँ पे एंड्रॉइड की, ये आपका एंड्रॉइड का पार्ट है और ये आपका आईफोन का। सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली की। तो आपके एंड्रॉइड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो लिनक्स होता है, और आपके आईफोन में जो यूज होता है वो ओएस एक्स या यूनिक्स होता है, या फिर हम अपने स्मार्टफोन में जो यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं एंड्रॉइड ओएस भी लिख के आता है, इट मीन्स एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपर। तो एंड्रॉइड को किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। आईफोन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस यूनिक्स को किसने बनाया है? एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबल लैंग्वेजेस। तो आपका जो एंड्रॉइड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड में जो यूज होता है, वहां पे 100+ लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है हमको। एंड कोडिंग लैंग्वेजेस यूज्ड आर जावा एंड C/C++। यहाँ पे कोडिंग के लिए हम लोग का जावा सी और C++ यूज किया गया है, लेकिन आईफोन वाले में क्या है 34 लैंग्वेजेस सपोर्ट है, और यहाँ पे हम लोग कोडिंग करने के लिए सी और C++ का यूज करके इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग बनाते हैं। फाइल ट्रांसफर की बात की जाए तो इजियर देन iOS यूजिंग USB पोर्ट एंड एंड्रॉइड ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर डेस्कटॉप ऐप। तो यहाँ पे क्या होता है, आप आसानी से एंड्रॉइड में किसी एक फोन से किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ तक कि USB पोर्ट का भी यूज करके आप उस फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे iOS में, तो यहाँ पे क्या होता है मोर डिफिकल्ट मीडिया फाइल्स कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग iTunes डेस्कटॉप ऐप। तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपको फाइल ट्रांसफर करना, लेकिन किसी मीडिया फाइल को ट्रांसफर करना है तो आप iTunes डेस्कटॉप ऐप का यूज करके किसी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन, तो यहाँ पे आपका ये जो एंड्रॉइड है वो आपके कई सारे स्मार्टफोन में अवेलेबल होता है, जैसे आपका सैमसंग हो गया, ये रेडमी MI हो गया, ओप्पो वीवो, बहुत सारे डिफरेंट फोन में आपको एंड्रॉइड वाला OS मिल जाता है। लेकिन बात करें आईफोन वाले में, तो यहाँ पे सिर्फ आपको आईफोन वाले फोन में ही ये iOS मिलता है, बाकी अदर फोन में आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे iPod टच आईफोन या iPad में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट ब्राउजिंग। तो इंटरनेट ब्राउज करने के लिए आपको गूगल क्रोम मिल जाता है एंड्रॉइड में, या फिर अदर ब्राउजर भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे भी मोबाइल सफारी या अदर ब्राउजर भी सपोर्ट करते हैं, आप इंस्टॉल करके उनका यूज कर सकते हैं। वीडियो चैट के लिए हम लोग गूगल डुओ का यूज करते हैं और यहाँ पे फेस टाइम का। नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस कमांड। तो आपके एंड्रॉइड वाले में कम्प्लीटली वॉइस कमांड वाला जो वर्क है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन उस पर वर्क चल रहा है, कुछ चीजें आपकी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। लेकिन यहाँ पे आप सीरी वर्ड्स का यूज करके आप एंड्रॉइड में कोई भी काम करना है तो करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वॉइस कमांड। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेस। तो आपका जो इंटरफेस है दोनों में टच स्क्रीन इंटरफेस ही होता है। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक के लिए एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे।